रीवा में लगातार 87 घंटे 45 मिनट कुकिंग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली शेफ लता टंडन घरेलू हिंसा का शिकार हो गई हैं। लता ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। लता ने आरोप लगाया है कि पति मोहित टंडन का दूसरी महिला से अफेयर चल रहा है, जिसके कारण उसके पीछे 4 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। उससे तलाक मांगा जा रहा है, लेकिन उसने तलाक नहीं दिया है। लता ने मोहित से 17 वर्ष पूर्व शादी की थी। शेफ लता टंडन ने 87 घंटे 45 मिनट तक लगातार भोजन पकाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पहले लंबे समय तक भोजन पकाने का रिकॉर्ड अमेरिका के रिकी लुम्पकिन के नाम था। साल भर पूर्व तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दूसरी महिला से नज़दीकी बढ़ने के बाद से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लता के नाम गिनीज वर्ल्ड एलिम्का सहित अन्य कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। पति मोहित टंडन नेटवर्क मार्केटिंग और फैक्ट्रियों के मालिक है। लता ने पति पर जहां प्रताड़ना का आरोप लगाया है, वहीं मोहित के बिजनेस पार्टनरों पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। लता ने सिविल लाइन और महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही परिजन सिंधी समुदाय के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लता अपने बच्चे के साथ रहती हैं। लता का आरोप है कि पति मोहित ना तो उन्हें खर्चा दे रहे हैं और ना ही बच्चे की परवरिश में सहयोग कर रहे हैं। परिजनों ने लता और मोहित को समझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन मामला सुलझ ही नहीं सका और अब थाने तक पहुँच गया है। बहुत अपमान किया, बहुत अपशब्द हैं। कल की बात है, खुशियत उनका व्यवहार था। क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है भैया कि मेरे हस्बैंड मिस्टर मोहित टंडन, मेरी 17 साल की शादी हो चुकी है और मेरा 15 साल का बेटा है। सब कुछ ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही थी और पिछले 1.5 से 2 साल से मुझे इंदौर शिफ्ट कर दिया गया है और मेरे बेटे को वहाँ पढ़ने के लिए मेरे साथ रखा गया और मैं उसकी पढ़ाई का ध्यान दे रही हूँ और उसके साथ रहती हूँ और अपना काम भी करती हूँ। शेफ़ हूँ, इसलिए एक्सपीडिशन, ट्रैवल, व्लॉग्स, ये सारी चीज़ें मेरा काम होता है। मैं अपने स्टूडियो किचन में वीडियोस बनाती हूँ और अपने काम भी करती हूँ। लेकिन पिछले 4 महीने से नवंबर 9 तारीख को मुझे अपने पति के बारे में ये पता चला कि ही इज़ हैविंग सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ अ लेडी। एक औरत के साथ उनके अलग से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये पता चला मुझे। और उसके बाद जब मैं अगेंस्ट में गई और तो मुझे ये धमकी दी गई कि आप तलाक ले लें मुझसे, नहीं तो उस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से मैं तलाक ले ही लूँगा और ज़बरदस्ती मैं ये शादी करूँगा, उस लेडी से शादी करूँगा, आपसे तलाक लूँगा। यहाँ पे जब बात बिगड़ने लगी तो पारिवारिक लोग हैं हम लोग, तो हमने पहले परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से हर कोशिश करके देख ली। 4 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हर तरीके से सब समाज के लोग साथ में खड़े हैं और सब ने अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है कि मुझ जैसी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ, एक पढ़ी लिखी औरत के साथ अगर ये चीज़ें घट रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत घट रही हैं। और आप भी किसी सभ्य खानदान के इंसान हो, एक बिजनेसमैन हो और आप ये कर रहे हो। हम कई दिनों तक इस चीज़ को अवॉइड करते रहे और कल हमने समाज के रिस्पेक्ट में ये हुआ कि मीटिंग करते हैं और आप मिलने जाएं अपने पति को, अपने घर जाएं, ससुराल जाएं, आप यहाँ न रहें, अपने भाई के घर न रहें, आप ससुराल जाएं। मैं ससुराल गई तो मुझे ससुराल के अंदर घुसने नहीं दिया गया, मुझे बाहर ले आया गया और वहाँ पे मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, बहुत ही अश्लील शब्द इस्तेमाल किए गए, ये तक धमकी दी गई कि हम आपके कैरियर को तबाह कर देंगे, सोशल मीडिया में आपको बदनाम करेंगे। मेरी थार जिसको महिंद्रा ने मुझे प्रमोट करने के लिए दिया, उनको लाते मारी गई और बहुत से गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो असहनीय था, क्योंकि अब इतनी कोशिश कर चुके थे, इतना सब कुछ देख चुके थे, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने लायक नहीं रह गया था कुछ। तो हम सब ने यही डिसाइड किया कि हम एक FIR करेंगे, मैं अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ एक FIR करूँगी जिसमें उन्होंने मुझे हर तरीके से ट्रॉमा, मेंटल, फिज़िकल और फाइनेंशियल हर तरीके का ट्रॉमा देने की कोशिश की है। जिस दिन से मुझे ये पता चला है, उन्होंने फाइनेंशियली चोक किया है मुझे, एक रुपया भी मुझे देने बंद कर दिया है, धमकियाँ कि तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा, ये धमकियाँ भी मुझे मिली और मैं अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हूँ। मैं बहुत ही करने लगी मुझे अभी कुछ माध्यमों से कि लता टंडन ये जो है वो अपना महिला थाने गई थी शिकायत करने के लिए और उनके पति से उनके घरेलू हिंसा के संबंध में उन्होंने कुछ वहाँ शिकायत की है
थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए कि वो गंभीरता से उस मामले की अच्छे से जाँच करें, वैधानिक कार्रवाई करें। सर, इसमें दोनों ने आरोप लगाया है, तो इसमें कितनी जाँच? हाँ, अभी आरोप प्रत्यारोप तो अलग बात है, लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों की जाँच पुलिस के अधिकारी कर लेंगे और जो वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। सर,